वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड 19 के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप की जानकारी दी। सीतारमण ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के कई हिस्सों से विस्तार से चर्चा के बाद इस पैकेज का वजन रखा था और हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है। यह पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्पेशल पैकेज में से लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4000 से ज्यादा हो गई है। इनमें 226 की मौत हो चुकी है, 1935 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, 2111 एक्टिव मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में बुधवार को 51 नए मरीज मिले, इनमें से सबसे ज्यादा 45 भोपाल से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित 75,000 के करीब पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या देश में 74,281 हो गई है, जिसमें से 24,385 लोगों के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। देश में कोरोना के एक्टिव संक्रमितों की संख्या 47,480 है। कोरोना वायरस से देश में अब तक 2,415 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधवार दोपहर को राज्यपाल लालजी टंडन से हुई मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। राजभवन जाने के पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल मुख्यालय समीक्षा पहुंचकर संघ के नेताओं के साथ विचार विमर्श भी किया। मुख्यमंत्री की अचानक हुई इस मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें हेडलाइन और ब्लैंक पेज दिया है, अब देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस ब्लैंक पेज को कैसे भरती हैं। हम हर उस अतिरिक्त रुपए पर नजर रख रहे हैं जो अर्थव्यवस्था में डाला जाएगा। भारत में कार्बन उत्सर्जन 40 साल में पहली बार कम हुआ। हालांकि इस कमी की इकलौती वजह लॉकडाउन नहीं है, जो संक्रमण रोकने के लिए लगाया गया है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के रिसर्चर ने मंगलवार को बताया कि लॉकडाउन की वजह से बिजली की खपत कम हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ने से जीवाश्म ईंधन की मांग भी कम हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट उपयोग करने की एक अपील की थी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी के तहत अब आर्मी कैंटीन में भी स्वदेशी प्रोडक्ट को लागू किया जाएगा। फिक्की ने बुधवार को सुझाव दिया कि क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों को खाली स्टेडियम में बहाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों का संपर्क नहीं होता। फिक्की ने साथ ही कहा कि इनका आयोजन सीमित स्थानों पर और कम लोगों के साथ किया जाए। विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन के साथ बैठक में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सप्ताह में आज बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सुबह सेंसेक्स 1470 अंक ऊपर और निफ्टी 387 पॉइंट ऊपर खुला। हालांकि ट्रेडिंग की शुरुआत आधे घंटे में ही सेंसेक्स की बढ़त फिसलकर 600 अंक से भी कम की हो गई थी।